चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ ए 6.1 बी 8.2 सी 8.9.4 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। चलो भाई यार मिड पॉइंट की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मिड पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ मिड सॉरी पैरेललोग्राम की बच्चों, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। लिखो बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हो, ये पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन, ये पॉइंट है बी एक्स टू कॉमा वाई टू, ये पॉइंट है सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, और ये पॉइंट है बच्चे लोगों डी जिसका नाम है एक्स फोर कॉमा वाई फोर। तो यार एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, बड़ी महान प्रॉपर्टी है और सदियों सदियों तक आपके काम में आएगी, और वो प्रॉपर्टी ये है कि बनाइए दोनों डायगोनल, दोनों डायगोनल बनाइए भाई, और दोनों डायगोनल बनाने के बाद वो प्रॉपर्टी ये है कि दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाईसेक्ट करेंगे, आधे तुम आधा मैं, आधे तुम आधा मैं। तो लिखो डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, बाईसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, ईच अदर एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। ठीक है प्रकृति प्रियांशी, यस सर। शिवम, यस सर। शिवम जुड़ा है क्लास में, श्रेयांश, श्री श्री, यस सर आई एम हियर। ओके सो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, बच्चों सभी बच्चों नाम काफी सारे हैं, अब लेना मुश्किल हो रहा है, तो बच्चों यहां पर डायगोनल जो होंगे वो एक ही पॉइंट पर बाईसेक्ट करेंगे, बाईसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में ब्रेक करना, प्रॉपर्टी देखो देखो देखो, तो बाईसेक्ट वाला रूल लगाओ, पहले इस वाले का मिड पॉइंट निकालो, एसी डायगोनल का मिड पॉइंट, तो बच्चों एसी डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, देखो एक्स वन एक्स थ्री, एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये एसी का मिड पॉइंट है, और यही जो मिड पॉइंट होगा ना ये डीसी के लिए भी होगा, और डीसी का मिड पॉइंट क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है एक्स फोर प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कॉमा वाई फोर प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो बच्चों लिख लो बस, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है, इसी से आपके युगों युगों के फॉर्मूले बनेंगे, एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई टू, वाई वन प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू एंड एक्स टू प्लस एक्स फोर एक्स टू प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई फोर डिवाइड बाई टू। ओके तो ये फॉर्मूला लिख लो, विच क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन का नंबर बता दो बेटा, अरिहंत क्वेश्चन पूछ लिया करो, देखो मेरे को टाइम लगता है इस महीने में, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है बेटा, आर एस अग्रवाल पेज नंबर 39 नोट करो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो कंसेप्ट है, ठीक ठीक ठीक। Done? Yes, sir. Okay. चलिए तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाए, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, ये है वो क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन मिल गया, ये क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है, ए 51, बी 82, सी 94 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये लो भाई, ए पॉइंट है, और हमेशा पॉइंट साइक्लिक लिया करो, मतलब एक ऑर्डर में ए बी सी डी। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 6.1, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है 8.2, सी पॉइंट क्या है 9.4। तो हमसे कह रहे हैं इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ई जो है डी सी का मिड पॉइंट है, ओके डी सी का मिड पॉइंट ई है, और डी 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 डी, ओके तो कह रहा है अगर ई जो है डी सी का मिड पॉइंट है, तो कह रहा है ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालो,
ये है ए, ये है डी, और यार ये है ई। ठीक है जाओ। तो हमें ए डी ई का, बच्चा लोग, एरिया निकालना है, ए डी ई का एरिया। तो क्या प्रॉब्लम है हमारे पास बच्चों? एक तो हमें डी नहीं पता और फिर हमारे पास ई नहीं पता। तो देखो डी पता चल जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट क्या मान लो? डी के कोऑर्डिनेट मान लो आप एक्स टू कॉमा वाई टू, या एक्स कॉमा वाई मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डर लग रहा है तो एक्स कॉमा वाई ले लो, या ले लिया एक्स कॉमा वाई। और अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि जो मिड पॉइंट बनेगा DB का वही मिड पॉइंट बनेगा AC का। ये प्रॉपर्टी लगाओ। तो क्या प्रॉपर्टी भाई मैंने आपको पढ़ाया कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ DB। तो यहाँ से अब हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? AC का मिड पॉइंट, अब यार थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं मिड पॉइंट AC का। इधर है 6, इधर है 9, तो 9 प्लस 16, 15/2, आदत हो गई ना। x1 प्लस x2/2 एंड 1 एंड 4, 1 प्लस 4 कितना? 5/2। चलो इक्वल टू DB, एक्स तेरा तो पता नहीं, 8, x+8/2 एंड यहाँ पे y+2/2। चलो भाई तैयारी कर लो एक्स और वाई लाने की। कंपेयर करो, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के सेम हो गए ना भाई, पोजीशन तो दोनों के लिए सेम है। मतलब 15/2 किसके इक्वल होगा? x+8/2 के। जहाँ पर दिक्कत हो रोक के बोलना, तुरंत वहीं के वहीं डाउट सॉल्व होगा। बीच में तुरंत इंटरप्ट करना भाई। एक्सप्लेन फिर से करूँ? देखो बेटा दोनों के मिड पॉइंट इक्वल होंगे, ये मैंने बताया ना बेटा, बोलो। तो देखो बेटा पहला वाला डायगोनल जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? देखो यहाँ से ए से लेकर के सी जा रहा है, ये डायगोनल है AC। और दूसरा डायगोनल आ रहा है डी से लेकर के बी। तो बेटा देखो दोनों के डायगोनल मिड पॉइंट पे काटते हैं। तो मैंने कहा क्या है कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? ये 6 है और ये 9 है, तो 6 प्लस 9/2 दैट इज इक्वल टू 15/2। एंड BD का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों? BD का मिड पॉइंट 6 6 प्लस 9/2 15/2। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? 1 प्लस 4/2 दैट्स इक्वल टू 5/2। एंड BD के कोऑर्डिनेट्स देखो, x ये है x और ये है 8, तो x+8/2 एंड y+2/2। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब बेटा कंपेयर कर दो, क्योंकि जो मेरा x है वो तेरा x है, जो मेरा y है वो तेरा y है। तो मेरा x 5 15/2, तेरा x x+8/2, 2 से 2 कैंसिल, x+8 इक्वल टू 15। बोलो स्वास्थी कितने आए x की वैल्यू? 7 7। वेरी गुड। चलो भाई सेकेंड पॉइंट बात करते हैं यार, y+2/2 इक्वल टू 5/2, y+2/2 इक्वल टू 5/2, अगेन 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू 5, में से 2 माइनस हुआ, y की वैल्यू 3। क्लियर है? यस सर। रख दो बच्चों। तो पॉइंट क्या आ गए हमारे पास? 7,3। डी की तलाश पूरी और पॉइंट आ गए हैं हमारे पास 7,3। अब क्या करना है हमें? अब हमें चाहिए ये क्या था? अरे ये तो मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट है मतलब आधा इधर, और ई बनेगा बीच का बंदर। कैसे निकलेगा फॉर्मूला? 7x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब 7 प्लस 9/2, मन में किया 7 और 9 हुए 16, में से 2 डिवाइड किया आया 8। सो पुट हियर गाइज 8 9 3 प्लस 4 हुआ 7/2। ओके अब हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं बच्चों। अब इसका एरिया निकालना है। क्या लगा लोगे फॉर्मूला एरिया का कि मेरे से ही लगवाओगे? लगा लेंगे। हाँ तो इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो एरिया बड़े आराम से आ जाएगा। कोई दिक्कत बताइए सर, एरिया कैसे फाइंड एरिया का फॉर्मूला नोट कर लो भाई। एरिया पूछा एक बच्चे ने, एरिया का फॉर्मूला। चलो भाई अनूप बताओ बेटा एरिया का फॉर्मूला। 1/2 मैंने लिख दिया, आगे बताएगा अनूप। सर x1 माइनस y2, x1 y2 माइनस y3। बोलो बेटा y3। हाँ फिर क्या है? x2 प्लस x2, x2 y3 माइनस y1, और फिर लास्ट में x3 y1 y1 माइनस y2। बेटा ये लिख लो, नोट कर लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। तो आपके पास ट्रायंगल के 3 कोने दिए गए हैं ना, ये पहला कोना x1 y1, दूसरा कोना x2 y2, तीसरा कोना
एक्स थ्री वाई थ्री भाई, इनकी वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाक से, और ये पीडीएफ भी मिलेगा आपको एट द एंड, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा क्लास के। चलो डन, बहुत बढ़िया। तो यार कैसे किया? वैसे ही किया जैसे हमने किया है। देखो पहले ई कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और फिर ई कोऑर्डिनेट के बाद इसने एरिया निकाल लिया। बच्चों जिन लोगों ने सॉल्व किया है चेक कर लें, एरिया आ रहा है 3/4 स्क्वायर यूनिट, सही है? यस सर। वेरी गुड। चलो अब बता दो मुझे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से कहाँ पे डाउट आया? मैं बार बार पूछता हूँ तो उसमें टाइम ही खराब होता है। 10 डन, 11 डन, ऐसे बताओ कहाँ तक डाउट नहीं है, किस पेज तक, फिर कहाँ पे डाउट है? क्वेश्चन नंबर 11 डन? यस। 12 डन? यस। 13 डन? यस। ओके 14 डन? 14 यस सर। ओके 14 में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 14 में? नो सर। वेरी गुड। 15 डन? यस सर। 16? यस सर डन। 23 पे आ गए हैं हम डाउट लेकर के। चलो भाई ओके सर, माय आंसर इज नॉट कमिंग करेक्ट। नॉट नो प्रॉब्लम बेटा, डाउट आना तो बहुत अच्छी बात है भाई, डाउट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। डाउट आ रहा है मतलब आप कुछ सीखने की तैयारी में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टाइसेस ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग देयर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, शो दैट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ द ट्रायंगल आर 4:1। यार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। NTSC एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली। अब कैसा क्वेश्चन आता है बच्चों, ये देखो, ये कह रहा है एक ट्रायंगल है आपके पास में। क्वेश्चन बोल देगा कि एक ट्रायंगल है, इसके पॉइंट है ए 0, -1, बी कोऑर्डिनेट है 2, 1 और सी कोऑर्डिनेट है 0, 3। क्वेश्चन ऐसे आएगा NTSC एग्जाम में कि एक ट्रायंगल है, उसका एरिया आपको दिया गया है 64 स्क्वायर यूनिट। ये थोड़ा सा कंपटीशन की बात मैं यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, उसका एरिया आपको दिया गया है 64 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन कहेगा कि इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट ले लो और इनके मिड पॉइंट को लेकर के एक नया ट्रायंगल बनाओ। बन गया, नया ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन कहेगा भाई ये जो नया ट्रायंगल है ना, इसका एरिया बताओ कितना होगा, ये जो नया ट्रायंगल है इसका एरिया। तो बच्चों इसकी ट्रिक होती है, जो आपका मेन ट्रायंगल का एरिया है ना 64, उसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो, बस 1/4। वैसे भी देखो इसके 4 हिस्से बन रहे हैं, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये 1/4 ही तो समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा वैसे होते ही है। तो आंसर आएगा बच्चों इसका 16 स्क्वायर यूनिट, अगर 64 दिया है तो। याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डायरेक्ट की बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले कह रहा है कि दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक जॉइन के पहले और एक जॉइन के बाद। तो जॉइन के पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे एबीसी का एरिया? 1/2 ब्रैकेट में एक्स वन, कौन है एक्स वन? जीरो, तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जीरो के साथ तो सब स्वाहा। फिर एक्स टू कौन है? टू। फिर एक्स टू के अंदर कौन आएगा? वाई थ्री माइनस वाई वन, तो ब्रैकेट में आएगा 3 - y1। वाई वन माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 1। और फिर कौन आएगा? फिर आएगा अगेन 0। अरे भाई मजे हो गए यार, कुछ करने ही नहीं पड़ रहा हम लोग को यार। एरिया 1/2 और ब्रैकेट में 2 और 3 4 जाए यार, ये कितना हो गया? 3 + 1 4, 4 2 जाए 8। ओके मतलब आया एरिया 8/2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट। क्या बात है, 4 स्क्वायर यूनिट आया ये एरिया बड़ा वाला। ओके बड़ा वाला एरिया, जरा मैं चेक कर लूँ भाई, 4 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही है। देख लो मेरा आंसर
फोर स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक तो आपका आंसर सही आया होगा यस प्रगति। अब कह रहा है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो बेटा पहले मिड पॉइंट निकाल तो लो। तो एक काम करो, ये पॉइंट में ले लो एम, इसका नाम ले लो एन और इसका नाम ले लो ओ। तो एम पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो प्लस टू बाई टू मतलब वन, बिकॉज ज़ीरो प्लस टू का हाफ कितना होगा, वन होगा। देन माइनस वन प्लस वन, जीरो हो गया ना, माइनस वन और वन जुड़ गया, ऐड हो गया, लड़मरे जीरो हो गया। अब एन पॉइंट निकालो, टू प्लस जीरो बाई टू मतलब टू बाई टू यानी वन, वन प्लस थ्री बाई टू मतलब फोर बाई टू। पावर चली गई। तो देखो ओके, तो देखो भाई हम अब इसके बाद हम लोग एरिया निकाल रहे थे। तो एरिया हमारे पास 1,0, 1,2 एंड तीसरा जो पॉइंट आएगा, 0 प्लस 0 मीन 0 हो गया, और माइनस 1 प्लस 3, तो देखो माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब हमारे पास जो तीन पॉइंट है इसका एरिया निकलेगा, और लॉजिकली देख सकते हो यार एरिया कितना निकलेगा, बड़े वाले का 1/4। तो 4 बाई 4 मतलब आंसर 1 आना चाहिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, एरिया निकालते हैं किसका, ट्राइंगल का, एम एन ओ का, है ना। ये इसको एम एन पी ले लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एम एन पी। ओके, सो यू कैन टेक इट एम एन पी। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एम एन पी, एम एन पी क्या होता है, वही फॉर्मूला, 1/2। ओके, बॉक्स के बाहर 1 है, एक्स वन, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू क्या बनेगा 2 और वाई थ्री क्या बनेगा 1, सो इट वुड बी 2 माइनस 1, इट विल बी 2 माइनस 1। एंड नेक्स्ट 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 वन यूज़ हो गया, नाउ अगला वन यूज़ करो, अगला वन यूज़ किया, सो कितना बनेगा, एक्स टू वाई टू माइनस वाई थ्री, वन माइनस ज़ीरो, वेरी गुड बेटा, वन माइनस ज़ीरो। एंड लास्ट इट विल बी, लास्ट कोऑर्डिनेट पी का रहेगा 0, तो हम तो आगे नहीं करेंगे, क्या मतलब 0 से। चलिए देखिए बच्चों, 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, एंड अगेन 1 प्लस 1 हो गया 2, और डिवाइडेड बाई बाहर वाला 2, तो 2 से 2 का डिवाइड हो गया। बोलो 1 आया कि नहीं आया, यस सर, राइट सर। तो यही तो प्रूफ करना था, सो द रेशियो ऑफ द एरिया पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द रेशियो, तो अब बाहर वाला रेशियो ऊपर वाला 4 है, नीचे 1 है, लियो भाई आंसर एरिया का रेशियो हो गया 4:1, नोट कर लो, ठीक है, यस सर, ओके। सो आंसर इज 4:1, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डन। नाउ कम टू द, बेटा लिखना तो नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, बाद में फाइल भी भेज दूंगा, तो इसको कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 डन, यस गुड। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, 23 हो गया। ये जो तुम लोग होमवर्क करके लाते हो ना, ये बहुत बढ़िया काम है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया सर, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कर लिए सबने क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, ओके ओके ठीक है, यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम 2। हाँ, किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो वो बताए बच्चा, एनीवन हैज डन क्वेश्चन नंबर 2, क्यों भाई कहाँ गया, ओके क्वेश्चन नंबर 2, ओके बताते जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे कर लिए, यस सर, ओके। चलिए सर, आई हैव डाउट इन लास्ट पार्ट सर, ओके ओके देखते हैं। तो 9 तक तो डन, मतलब कोई और बच्चा ट्रायल किया हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी डन, यस सर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 तक हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देन इसके बाद शुरू हो गए हैं ऑब्जेक्टिव। ये मैं इसलिए आपके सामने बोलता हूँ कि अगर किसी का गलती से कोई छूट गया हो ना, तो वो मुझसे पूछ ले, या कोई डाउट याद आ जाए इसलिए पूछ ले। मेरा मन नहीं मानता ना कि इतने सारे क्वेश्चन जब आप लोग करते हो तो मेरे को भी लगता रहे वाह इतने कर लिए, बट मैं एक बार पूछ लूँ। चलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 बन गया होगा, 2 बन गया होगा, 3 बन गया होगा, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल्सो वेरी इजी, 5 इज़ ईजी, 6 बहुत ईजी है, 7 में वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलो 7 क्वेश्चन सारे बच्चे जल्दी से करो। चलो ऑप्शन मैंने छिपा लिए हैं, क्वेश्चन के पॉइंट दिए हैं, ए 1,3, बी है -1,2,
एंड सी है 2.5 और डी है एक्स कॉमा 4, तो अभी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए बताओ डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स क्या होगा, एक्स एक्स क्या होगा, सो इज इट 4 इज ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं 4, एक्स की वैल्यू 4, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, एक्स की वैल्यू 4 आएगी. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. हेलो प्रांजल जी, रिकॉर्ड कायम किया है, आज भी आप लेट आए हैं, कैसे हाल हैं तुम्हारे? सर बढ़िया है. बढ़िया एकदम, चलो बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ए एक्स कॉमा 2 बी माइनस 3 कॉमा माइनस 4 एंड 7 सी कॉमा माइनस 5, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ. दो तरीके हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, या एक और तरीका तो है ए बी बी सी इक्वल टू सी, बट वो बहुत भारी पड़ेगा, तो ट्रायंगल के एरिया को जीरो करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी. माइनस 63 बी की वैल्यू -63 ए की, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर. यस सर, -63 ना अनु सर, ये समझा दीजिए प्रश्न. बिल्कुल समझा देते हैं, चलिए चलो. गुड इवनिंग कृष्णा, देखो बेटा इसमें क्या कहा गया आपसे, कि आपके सामने कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो तीन पॉइंट हैं, अगर ये कोलिनियर हैं तो आपको x की वैल्यू निकालनी है. ये देखिए ये पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट ले लो a, a पॉइंट है x कॉमा 2, b पॉइंट है -3 -4 एंड तीसरा पॉइंट c जो है वो है 7.5. अब कह रहा है अगर ये कोलिनियर है तो x की वैल्यू निकालो. यार कोलिनियर का कंसेप्ट क्या है, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, ज़ीरो. सो एरिया इक्वल टू ज़ीरो, तो एरिया इक्वल टू ज़ीरो, एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 और वही एक्स वन, तो एक्स वन की जगह है एक्स, वाई टू माइनस वाई थ्री मतलब 4 - 5. यार देखो आदत बना लो थोड़ी सी, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ना, तो ये क्या कारण क्या है, दिस इज़ एक्स वन वाई वन, दिस इज़ एक्स टू वाई टू एंड दिस इज़ एक्स थ्री वाई थ्री, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ. तो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री फिर प्लस एक्स टू, तो एक्स टू क्या है माइनस थ्री, एक्स टू क्या अपने पास माइनस थ्री, एक्स टू है माइनस थ्री और माइनस थ्री के बाजू से क्या आएगा, एक्स टू के बाद में आएगा वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री है 5 और वाई वन कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या आएगा प्लस का 7 और 7 वाई वन माइनस वाई टू 2 - 4 इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो. 1/2 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई जीरो के साथ चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, केवल x के साथ बनेगा x, 4 - 1 - 1 सो इट विल बी बिकम -x. नाउ 5 - 2 = 3 एंड 3 - -3 becomes -9, 3 - -3 becomes -9, 3 - -3 becomes -9 एंड 2 - 4 = -2 एंड इट विल इक्वल्स टू 7 - 2 - -14 = 0. माइनस एक्स एंड 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 + 9 = 23, -23 = 0. सो माइनस एक्स इक्वल्स टू +23, एक्स बिकम्स -23, सो आंसर इक्वल्स टू -23. लेट्स सी, ओए यार -63 आना था, क्या गलती हो गई भाई, -63 एक्स कॉमा 2 - 3 -4 था यार, यहाँ तो -3 और -4 था यहाँ पे ना, यहाँ पे -4 है, तो कुछ यहाँ पे गलती हुई है, मैंने 3.4 लिया. ओहो मैंने तो पॉइंट ही बहुत गलत लिए हैं यार, बताओ यार तुम लोगों में से किसी ने मेरे को बताया भी नहीं यार, बताओ 7 - -5 है यार, गजब गलत पॉइंट लिए हैं मैंने तो, टांग ही तोड़ दी इस क्वेश्चन की यार. चलो कोई नहीं, मेरा आंसर ऐसा वाला सही है, आप लोग अपना आंसर नए वाले क्वेश्चन में कर लो,
तो मेरा आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलेगा ना? बोलो बोलो। यस सर। हाँ तो ठीक है, आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए कर लो तो आंसर आएगा -63। देख रहे हो मैंने पॉइंट ही गलत लिया, और ये गलती एग्जाम में भी होती है, बच्चों से आंसर गलत लिख ले लेते हैं, क्वेश्चन ही गलत लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो बच्चों कितना आया, बन गया किसी से भी बन गया तो डन बोले। 6 स्क्वायर यूनिट। ओके 6 स्क्वायर यूनिट। डन। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर टेन कैसे 1/2 AB। अब इस क्वेश्चन को जो बच्चे सोचेंगे कि सर इसको हम वैसे करें, एक तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में चाहे आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसका बेटर मेथड बताता हूँ बच्चों। आप ग्राफ में ले लो इस क्वेश्चन को, तो इस ग्राफ में यदि इस क्वेश्चन में लोगे तो दिस इज वॉट 0.0, एक पॉइंट देखो ओ है 0.0, और एक पॉइंट है ए, क्या बन रहा है 1.0, और एक पॉइंट बन रहा है बी 0.B। अब कह रहा है इससे बनने वाला ट्रायंगल निकालो, भाई देखो क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो एकदम फिक्स राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हाफ बेस, तो ये 0 से लेकर के A तक की लेंथ है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब लोग जानते हो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी A, क्योंकि 0 से लेकर A तक का गैप कितना होगा A होगा, और यहाँ तक का गैप कितना होगा B, तो आंसर आएगा हाफ बेस हो गया A, हाइट हो गई B, तो आंसर आएगा AB/2, तो करेक्ट आंसर हाफ ऑफ AB। तो इसमें आपको तो फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिड पॉइंट है, बन गया होगा क्वेश्चन नंबर 11, डन, वैल्यू -8 आ रही है, चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 में से कौन सा नहीं बना? सर 14। 14 क्वेश्चन नहीं बना, चलो भाई आ जाओ 14 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द, बड़ा कर लिया मैंने, कह रहा इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ द डायमीटर सर्कुलर दिस एंड, सेंटर इतना दिया गया है तो दूसरे डायमीटर, वाह वाह भाई एकदम हलवा क्वेश्चन है ये, देखो यार ये अपने पास सर्किल है, कह रहा है कि एक डायमीटर का जो एक कोना है कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड क्या है यार 2.3, और इसका सेंटर क्या है, सेंटर दे रखा है -2.5, और ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x, y। तो यार ये तो फीलिंग हर किसी के अंदर आती है, हर कोई जानते हो कि ये डिस्टेंस भी रेडियस होती है, ये डिस्टेंस भी रेडियस होती है, मतलब ये क्या होता है सेंटर इसका, और इसका क्या होता है मिड पॉइंट होता है, तो मतलब जो सेंटर होगा मैं मिड पॉइंट होगा। तो चलो लगाते हैं पहली प्रॉपर्टी मिड पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट इधर है एक्स और इधर है टू, तो एक्स और टू का जो बीच का बंदर होगा वो कौन होगा -2, सो एक्स प्लस टू इक्वल्स टू -4, क्यों 2 2 4, एक्स इक्वल टू -4 -2, यार इट बिकम -6 गाइज। ओके लेट्स चेक, आंसर हमारा यहीं पर आ चुका है ए, क्यों सॉल्व करें हम वाई कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, -6 अगर दो आंसर टाई होते तो करते, बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन में देखो पहला -6 है तो कर लेंगे। चलो बाकी सीखने के लिए वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए फिर से 3 का और वाई का बीच का बंदर 5 है, सो 5 बिकम द मिड पॉइंट ऑफ 3 एंड वाई का बीच का 2, सो 5 2 10 इक्वल टू 3 + y, सो वाई इक्वल टू 10 - 3। बोलो भाई अनूप समझ में आया, अनूप नाउ योर डाउट इज क्लियर, द पॉइंट आर -6.7। चलो भाई खींच मेरी फोटो फटाक से ले लो इसका स्नैप, 17 बता दीजिए। बिल्कुल yes, sir, बिल्कुल बेटा 17 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 डन, 15 भी सबसे बन गया होगा भाई, ट्राई सेक्शन खूब सिखाया मैंने, 1:2 1:3, 17 क्वेश्चन था मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, 16 भी बन गया होगा सभी से, डन। चलिए 17 क्वेश्चन, योर आंसर इज कमिंग रॉन्ग, लेट्स सी वंस अगेन, 16 की बात हो रही है बेटा, 16 का आंसर गलत आया है, चलो फिर चेक किया जाए भाई 16 का, यही सॉल्व कर देता हूँ। कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट पी इज 0.4, कोऑर्डिनेट दिया गया है -2.3 का, ओके ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट ए बी, ए क्या है, ए है ए का पता नहीं, ओके पॉइंट द पता करो, तो पॉइंट का पता करेंगे भाई, ए पॉइंट है x, y एंड यार इसका मिड पॉइंट है पी,
जीरो कॉमा फोर एंड बी क्या है माइनस टू कॉमा थ्री। यार चलो सॉल्व करें भाई लोगों, तो कैसे सॉल्व होगा ये। ज़ीरो इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस पोजिशन एक्स प्लस माइनस टू, तो एक्स प्लस माइनस टू, तो मे भी गलती हो सकती है आपसे, आपने यहाँ खुशी खुशी प्लस रख दिया हो, बट एक्चुअली प्लस है और फिर माइनस टू अपॉन टू, तो वो बन जाएगा एक्स माइनस टू। तो जीरो इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू, टू गया जीरो के साथ हो गया जीरो, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू टू, तो पहला पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू टू, बिल्कुल सही है, मैच कर गया। अब वाई का पॉइंट पता करते हैं, तो मिड पॉइंट क्या है फोर है, सो फोर इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ वाई प्लस थ्री बाई टू, सो फोर टू ज़ा एट एंड वाई प्लस थ्री, वाई में से इधर आया एट माइनस थ्री, वाई इक्वल्स टू फाइव, करेक्ट है भाई, टू कॉमा फाइव आंसर, देखो टू कॉमा फाइव ऑप्शन नंबर ए। बोलो मिस्टेक मिल गई। Yes. चलो ठीक है, एनी प्रॉब्लम, डन ना, समझ में आ गया ना। Yes, चलो क्वेश्चन नंबर 17, किसको डाउट है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी इजी है। ए पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3, तो कह रहा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पहले पॉइंट तो निकाल लिए होंगे, और पहला पॉइंट है पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट है नेगेटिव, तो यार कौन सा क्वाड्रेंट, एक्स है पॉजिटिव वाई है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बोलो बन जाएगा पॉइंट निकालते बन जाएगा, जिस बच्चे ने डाउट पूछा पॉइंट निकाल लेगा वो बच्चा, कि निकालूं पॉइंट। ओके गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, क्योंकि कर लिए आप सभी लोगों ने तो मुझे डाउट बताएं, 23 तक में, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, हाँ बोलो सारे बन गए, जो बच्चा करके आया है पता है, पूरे बन गए यहाँ तक। यस सर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। हाँ बोलो अनूप। सर प्लीज हाउ वी कैन फाइंड दैट इज स्केलस और दैट इज राइट है। Which one? Speak again. फिर से बोलो। Sir, please tell question number 20. 22-0. No sir, 28. 28. चलो 26 पहले देख लेते हैं। किसी बच्चे ने 26 पूछा है। 26 देखिए क्या है यार, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? बताया था मैंने सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या बताया था मैंने? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन, और फार्मूला बताया था सेंट्रोइड का क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। बच्चे लोगों जो आज जुड़े हो ना, आज आप लोग ये शीट बिल्कुल अटैक कर देना, इसको टुकड़े टुकड़े कर देना इसके, आज आप जो लोग बच्चे जुड़े हैं, मैंने शीट दे दी है भाई। जो बच्चे नए जुड़े हैं, पासवर्ड पैक सी ए टी कैट, कैट मतलब बिल्ली, तो सी ए टी पासवर्ड यूज़ करके इस फाइल को ओपन कर लो, जिनको अभी तक पासवर्ड नहीं पता था वो फाइल ओपन कर लें। बी है 5, -2 और सी है यार 8, 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सेंट्रोइड निकालना है। चलो यहाँ पे होगा कहीं सेंट्रोइड, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन है -1, एक्स टू है 5 और एक्स थ्री है 8। ओके एक्स थ्री है 8, एक्स थ्री इज 8, सो इट दिस इज अपॉन 2, सो 8 प्लस 5 13 माइनस 1 कितना हो गया भाई 12, 12 बाई 2, तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट हो गया 6, 6, 6, 6, 6, 6। ओए क्या है, 8 और 5 13 में से एक गए 12, ओह मैंने 2 कर दिया भाई, फॉर्मूले में 3 है, 2 क्यों कर दिया सर जी, 3 करो, 3, 4 ज़ा 12, फॉर्मूले में 3 होता है, मैं 2 कर रहा हूँ, मेरे को मिड पॉइंट की याद सता रही है। चलो भाई तो आंसर हो गया, पहला कोऑर्डिनेट हो गया इसका 4। दूसरा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, वाई वन कितना है 0 और वाई टू कितना है -2 एंड वाई थ्री कितना है 2, वो एक कट गए तो खत्म खेल 0, सो पॉइंट इज हाउ मच 4, 0, आंसर 4, 0। हाँ बेटा समझ में आ गया, अंजलि शायद कीर्ति की, कीर्ति की आवाज़ थी ये, क्या नाम तुम्हारा बेटा, नाम ही भूल गया, स्नेहा, स्नेहा, अच्छा स्नेहा यू आर ओके सॉरी बेटा, सो दिस इज 4, 0 क्लियर, तो ये है। चलो और बताओ, 28 पूछा तुमने यार, 28 तुमने पूछा है मुझसे,
अनूप, द पॉइंट माइनस 4.0, 4.0, 0.3, ये पॉइंट किस ट्रायंगल के हैं? तो यार पहले तो मैं इसको बनाऊंगा ना इससे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हो सकता है बिना मेहनत करे आंसर आ जाए। ए माइनस 4.0 और बी 4.0, 4.0 और पॉइंट सी क्या है? 0.3। ओके यार देखो, माइनस फोर पॉइंट की डिस्टेंस है ना, बट डिस्टेंस तो फोर होगी ना, पोजीशन होती है नेगेटिव पॉजिटिव, बट डिस्टेंस तो फोर होगी। बोलो यस। Yes, और ये भी डिस्टेंस फोर होगी। बोलो यस। अब इसको करते ही अगर ये डिस्टेंस निकालोगे तो यार पाइथागोरस थ्योरम तो तुम लोगों ने, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 5 होता है और ये भी क्या होगा? 5 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा बच्चों? इधर 4 है, इधर 3 है, तो इधर 5 होगा, तो 5 हो गया, 5 हो गया, और बीच में 4 + 4 = 8। हाँ, तो आंसर क्या होगा? आइसोसेलस ट्रायंगल है भाई, दो साइड इक्वल हैं, ये देखो ये भी 5, ये भी 5, तो बिना सॉल्व करे आइसोसेलस ट्रायंगल। और बाकी इन लोगों ने मेहनत करी है, देखिए इतना सॉल्व किया है। तो बताओ कौन सी मेथड अच्छी है? है ना मेरी वाली मेथड अच्छी, डायरेक्टली ग्राफ बना करके? यस सर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने मेहनती हो, कितना करके आ रहे हो, उसमें तो ये है कि जिसने जल्दी ऑप्शन दे दिया उसके टाइम बच गए, तो इसलिए ये ऐसा है। हाँ, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा निकाल लो आप डिस्टेंस, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाली होगी अनूप, तो आपकी डिस्टेंस आ रही होगी √8 आ रही होगी, एक आ रही होगी 5 और एक आ रही होगी 5, तो दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है, मतलब आइसोसेलस। क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 डन, 30 डन, 31 डन, 31 के बाद 32, 33, 34, 34 फिनिश हो गई भाई शीट अपनी। चलिए 34 फिनिश, तो चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। एक बार और देख ले, कोई बच्चा किसी को कोई डाउट हो तो 34 भी अच्छा क्वेश्चन है, लगा डालो। अब आपके हवाले है शीट भाई, इस शीट को मुझे पूरा करके आप लोग ग्रुप में तांडव मचा दीजिए, बिल्कुल एकदम से धड़धड़ धड़धड़ आंसर डाल दीजिए अपने, सभी लोग करो इस शीट को पूरी और आंसर डाल दो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा। Okay, चलो करो अब। हाँ, अब बच्चे, बाकी जो बच्चे हैं भाई वो एनसीईआरटी करेंगे, जिन लोगों ने अपने, मतलब जो इवनिंग बैच वाले बच्चे हैं, है ना, आज कुछ नए जुड़े हैं, तो वो लोग एनसीईआरटी करें। बाकी ग्रुप में भी, पाठशाला में भी मैं एनसीईआरटी भेज देता हूँ, तो वो भी एनसीईआरटी कर सकते हैं, बट पहले आरएस जो कंप्लीट किया हो वही एनसीईआरटी को हाथ लगाएगा। चलिए स्टार्ट करिए बच्चों। तो एंड प्रगति, प्रियांशी एंड बाकी स्टूडेंट जिन्होंने आरएस नहीं करी है, वो जल्दी से आरएस कंप्लीट कर लो और एक बार मुझे डाउट बताओ, कोई डाउट हो तो।